हे गाइस, आज हम खेलेंगे ट्रेन जेट सिमुलेटर 3 का सेकंड पार्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, हम ना इसमें ट्रेन को डिकपल करेंगे और हम उस ट्रेन को और लंबी ट्रेन बनाएंगे और देखते हैं। और नो, मैंने दोनों तरफ से इंजन को स्टार्ट कर दिया, इसलिए व्हील स्लिप हो रही है। उधर से भी इंजन टन रहे, इधर से भी इंजन टन रहे। लोल, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे ना, इस ट्रेन को और लंबी करेंगे और देखते हैं कि 3 इंजन्स मिलकर कितनी ज़्यादा थ्रॉटल में, मतलब कितनी स्पीड में इसको ले आ सकता है। मतलब जितना लंबा है उससे ज़्यादा लंबा करेंगे। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ज़रूर जाके देखिए, मज़ा आया। 130 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड में भी ये ट्रेन बहुत आराम से अपनी लिमिट्स को झेल गया, कितना मज़ा आया था देखना। प्लीज़ वीडियो, और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। आप देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर अभी हमने इसको 100% कर दिया। मैंने एक्चुअली में अब मैं इमरजेंसी ब्रेक लगा रहा हूँ, और इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद मैं, अब देख लो पहले कितनी लंबी थी ट्रेन पिछले बार, आपने देखा नहीं तो देख लेना, अभी और लंबी बनेगी। तो एक्चुअली मैं क्या होगा अभी कि मैं जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक हिट करूँगा, अभी मैं यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक लगाता हूँ। ये जो है ना कंट्रोल, फुल कंट्रोल है, जैसे आप देख सक रहे हो कंप्लीट कंट्रोल है। तो जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा और मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करके लंबी ट्रेन बना लूँगा, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा होता है ट्रेन को बनाने में भी, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फिर मैंने यहाँ पर मारा ब्रेक, ठीक है। तो हमने लंबा एक ट्रेन बना चुका हूँ, अभी अब देखना है इस वीडियो में कि कितनी लंबी है ये ट्रेन। और आप देख ही सकते हो 100% थ्रॉटल में भी ये फोर, मतलब कितनी हार्ड वर्क करना पड़ रहा हो 3 इंजन को उस ट्रेन को टालने के लिए। तो ट्रेन तो रेडी है, बहुत लंबी है ट्रेन, और देखना कितनी लंबी है, आपको खुद पता चल जाएगा। और हम भी देखेंगे कि क्या ये 3 इंजन इतना ज़्यादा, मतलब क्या उनको वो ट्रेन को टालने में टाइम लगता है, क्या वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इतनी लंबी ट्रेन और 3 इंजन। वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में ना मैं इंजन और इंजन लगाऊंगा, फिर देखते हैं कि इतनी लंबी ट्रेन को टाल सकता है कि नहीं, मज़ा आएगा। और डीरेल होता है कि नहीं, फुल स्पीड में चला के देखेंगे। तो वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो ट्रैक्स है ना, बहुत अच्छी ट्रैक्स है, मतलब लंबी ट्रैक्स है, कोई इशू नहीं होने वाला है इसमें। पर फिर भी देखो कितनी लंबी है, अभी तो ये स्टार्टिंग है बस, बहुत ज़्यादा ही लंबी है, आपको बस ये क्रॉस करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने इसको 1.5 के स्पीड में रिकॉर्ड किया है, तो आप देख लेना कितनी लंबी है। और इसको मतलब अभी लग रहा है स्पीड है, पर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही चल रही है अभी ट्रेन, और ये बढ़ रही है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। एक्चुअली मैं अभी तक तो एडवांस वाली बॉगी स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत टाइम है स्टार्ट होने में। बस आपको मैं एक दिखा रहा हूँ कि कितनी लंबी है, और मज़ा आएगा। देखो कितनी, मैं थोड़ा कैमरे को पीछे करता हूँ ताकि आपको और पता चले सही से, ठीक है। ये वाली जो है पॉगीज, जो है ग्रीन वाली, वो तो 30 है, ये तो कंफर्म है। उसके बाद ब्लैक वाली आएगी, आई थिंक ब्लैक कलर की कंटेनर्स, मतलब फ्यूल कंटेनर्स। आपको ऐसी वीडियोस देखनी है मैं इंडियन ट्रेन्स के साथ बनाऊंगा, और इसमें इस ट्रैक से हटकर मैं दूसरे ट्रैक में बनाऊंगा, इसकी थर्ड पार्ट भी आने वाली है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। देखिए उसने, मैं जैसे नीचे के मैप में दिखा रहा है, उसने जो इंजन है हमारा वो एक सिग्नल को क्रॉस कर चुका है, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेरी लिमिट बढ़ चुकी है, अभी तो 40 दिखा रहा है, अपडेट होने वाली है। पर फिर भी हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, मालगाड़ी ख़त्म नहीं हुई हमारी। हाँ चलो देखते हैं अभी, और धीरे धीरे स्पीड तो बढ़ रही है, देखते कितनी दूर तक जा सकती है, ठीक है। हमने पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार हमारा यहीं तक ख़त्म हो गया था, कोल तक। पर कोल वाले जैसी ख़त्म होगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना और बड़ा है ये ट्रेन। कोल देख ही रहे, पूरा भरा हुआ है कोल का सिस्टम, इसमें कपलिंग डिकपलिंग सब कुछ होता है। देखो इसके बाद मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हो अभी ये ग्रीन वाली एड्स है, ये कंटेनर्स टैंकर्स बोल सकते हो आप इसको। उसके बाद रैंडम बॉगीज ऐड है, रैंडम कंटेनर ऐड है, आई थिंक ये पीछे वाली गाड़ी ले आने के लिए बीच में बनी है, बीच वाली।
ठीक है, इसके बाद ये ख़त्म होने ही वाला है जस्ट। उसके बाद हमारा फिर से कंटेनर स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक कंटेनर्स। फिर उसके बाद हमारा वाइट कंटेनर स्टार्ट हो जाता है। तो वो आप देख ही रहे हो कि कितनी लंबी ये ट्रेन बनी है अब, और ये 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में फुल थ्रॉटल पे चल रही है ट्रेन, पर हम अभी तक फुल स्पीड को अचीव नहीं कर पाए। और देखो अंदर पीछे जहाँ पे बैठते हैं, ये तो बहुत फिर भी साफ़ सुथरा है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं इंडियन वाले में तो गेम में ही साफ़ सुथरा है, सही बात है। अब देखो कितनी लंबी है ट्रेन, अब देखो बस देखते रहो। तीन इंजन की संघर्ष आप देख ही सकते हो, समझ ही सकते हो। 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है ये ट्रेन अभी, और अभी एकदम लाइन स्ट्रेट लाइन है। आई थिंक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर चुकी है, जो अभी तक की 61 सही है। मुझे बस ये देखना है कि ये कितने टाइम के बाद डीरेल होगा, मतलब अपने लाइन से उतरता है कि नहीं उतरता है, क्योंकि जब हम मैं इसका ट्यूटोरियल देख रहा था तो ऐसा बोला गया था कि हम अपनी स्पीड को लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते वरना ट्रेन डिरेल हो सकता है, पर अभी तक तो नहीं हुआ है। क्योंकि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके लाइंस ट्रैक जो है ना बहुत सीधे हैं, मतलब स्ट्रेट ट्रैक्स हैं, मतलब देखो ज़्यादा घुमावदार नहीं है। आई थिंक जब हिली एरिया से क्रॉस होंगे घुमावदार होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बनाऊँगा घुमावदार वाले ट्रैक्स की। चलो एक काम करते, मैं आगे चलता हूँ, और मैं ट्रैक जैसे कि अभी बीच वाले ट्रैक पर चल रहा है ट्रेन ना हमारा, देखो कितनी बड़ी मैप है अभी, बहुत बड़ी है मैप तो, बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, और स्ट्रेट लाइन है। अभी हम देखते हैं ना आगे जाकर के एक ट्रैक चेंज कर देंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मुझे लगता नहीं है ये ट्रेन ज़्यादा दूर तक जा पाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रोकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि तीन इंजन मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। हम इसमें और इंजन जोड़ेंगे और इस ट्रेन को और सुपर फास्ट स्पीड में लेके जाएंगे, फिर ट्रैक चेंज करेंगे आगे जाकर, और देखते हैं कि इसमें डीरेल होती है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियोस के लिए बताओ क्या बनाऊँ मैं नेक्स्ट टाइम, और मैं इसकी ट्यूटोरियल्स भी बनाऊंगा, सेक्सी ट्यूटोरियल्स इसमें। चलो मैं मिलता हूँ, देखो अब कितना टाइम लग रहा है इसको, इमरजेंसी ब्रेक फुल अप्लाइड है, ख़त्म। चलो टेक केयर, बाय गाइस, सी यू सून।